संगीता शेड़के इनका सवाल है कि जीवन जीने के लिए आज के जमाने में धर्म और जाति की कितनी आवश्यकता है। पहले के जमाने में शायद धर्म ने और जाति ने एक रोल अदा किया होगा। धर्म ने तो डेफिनेटली एक रोल अदा किया। जब इंसान संगठित नहीं था, हर व्यक्ति अपने अलग अलग कायदे कानून के साथ चलता था, अलग अलग टोलियां होती थी, टोलियों के खुद के कायदे कानून व्यवस्था होती थी, हमेशा एक दूसरे के साथ में झगड़े होते थे, एक दूसरे पर आक्रमण होता था, कोई उनमें समानता नहीं दिखती थी, शायद भाषा भी अलग होती थी। ऐसे जमाने में ये ऑर्गेनाइज जो धर्म बने, उन्होंने इंसानों को ऑर्गेनाइज करने का एक अवसर दिया, एक डिसिप्लिन निर्माण करने का अवसर दिया। उसके कारण इंसान की कुछ हद तक प्रगति भी हुई। यानी एक थोड़ा सा एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही प्रकार की मान्यता को स्वीकारते हैं, फिर धर्म के जो भी धर्म गुरु होंगे उनकी भाषा जो है, या फिर धर्म संस्थापक होंगे उनकी भाषा को ज्यादा महत्व प्राप्त हुआ, तो वो भाषा सबने सीखने का प्रयास किया उस धर्मों के लोगों ने, इसलिए एक भाषा में साम्यता आ गई, इससे नजदीकी और बढ़ गई, पहराव में बाकी चीजों में भी साम्यता आई, इसलिए एक आपस में एक भाईचारा बढ़ने के साथ में हम एक है ये भावना उससे बढ़ी, उसको डिसिप्लिन आई, थोड़ी सुरक्षितता प्राप्त हुई, और इस कारण विकास करने के लिए भी ज्यादा अवसर मिले। ये शुरुआत में हुआ, लेकिन धर्मों के नाम पर बहुत लड़ाइयां भी हुई। यानी धर्मों में केवल एक धर्म दूसरे धर्म के साथ में लड़ाइयां हुई, ऐसा नहीं हुआ है, आपस में भी बहुत लड़ाइयां, एक ही धर्म के दो लोगों में बहुत लड़ाइयां हुई, शिया सुन्नी में हुई, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स में हुई। भारत में धर्म के नाम पर लड़ाइयां नहीं दिखती है, लेकिन शैव वैष्णव इनमें लड़ाइयां हुई, बहुत बड़ी नहीं हुई लेकिन हुई। तो ये धर्म के नाम पर आगे चलकर लड़ाइयां भी। आज के जमाने में आप और हम जिस ढंग से जी रहे हैं, हमारा डायरेक्ट धर्म से कोई संबंध नहीं। कोई भी धार्मिक बात आज के दिनों में हम अमल में नहीं लाते। हम मंदिर में जाते होंगे, लोग कुछ अंधविश्वास की बातें अपने जीवन में लेकर चलते हैं, उसी को धर्म मानते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने सवाल पूछा, लेकिन हमारे देश में स्त्रियों को सीखने का अधिकार नहीं था, मनुस्मृति में स्पष्ट आदेश है, और मनुस्मृति कम से कम 2000 सालों तक तो भी इस देश में चलती रही है। आज हर लड़की सीखती है, आप भी सीखी हुई हो, मेरी मां सीखी हुई है। सावित्रीबाई फुले ने जब ये शुरुआत की थी, तो उनको लोग इसी पुना के कल्चर्ड लोग, सुसंस्कृत लोग वेश्या कहते थे, कुल्टा कहते थे। वो स्कूल में पढ़ाने जाते वक्त उसके शरीर पर कचरा डालते थे, गंदगी फेंकते थे, जाकर उसे अपनी साड़ी बदलनी पड़ती थी, दूसरी साड़ी पहनकर बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। बड़े मुश्किल से बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। उन्होंने बहुत कष्ट झेलकर, तकलीफें सहकर यह परंपरा शुरू की, और आज पूरे देश में लड़कियां सीखने लग गई, छोटे छोटे गाँव में सीखने लग गई। तो हमने धर्म तो ताक पर रखा है ना, धर्म में हमने बदलाव किए। अस्पृश्यता हमारे देश में आम बात, आज अस्पृश्यता अमल में लाना कानूनन हमने अपराध बनाया, ये धर्म के खिलाफ बात होगी। तो आज के जमाने में हमने इतना परिवर्तन किया है कि कोई भी धार्मिक बात अपने जीवन में अमल में नहीं लाता।
कोई भी बोलने से मैं कई बातें अमल में नहीं लाते ऐसा कहूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। महात्मा गांधी जब विलायत पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनके जाति के लोगों ने उन पर उनको बहिष्कृत किया था, जाति के बाहर कर दिया था, क्योंकि भारत में समुंदर पार करना इसकी बंदी है और वो समुंदर पार कर विलायत पढ़ने को जा रहे थे। तो ऐसी कई बातें हैं जो आज के जमाने में हम अमल में नहीं लाते हैं, हमने वो त्याग दिए, छोड़ दिए, क्योंकि वो अच्छी बातें नहीं है, मानव जाति के हित की बातें नहीं। तो आज के जमाने में आपके और मेरे जीवन में जीने के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। धर्म तत्व ज्ञान होता है, मॉरल वैल्यूज होती है, उसी के साथ में कायदे कानून व्यवस्था होती है। ये कायदे कानून व्यवस्था के जरिए राज्य कैसा काम करे, राज्य कैसा चले, ये भी बातें होती है। आज हमारे देश में लोकशाही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है। हमारे देश में कायदे कानून व्यवस्था है, ये कायदे कानून व्यवस्था स्वतंत्र है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है। ना वहां मनुस्मृति चलती है, ना वहां कुरान चलता है, ना वहां बाइबल चलता है। तो हमारे देश की कानून व्यवस्था अलग है, राज्य व्यवस्था अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है, पूरी की पूरी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। मॉरेलिटी की भी कल्पनाएं बदल चुकी, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं थी मॉरेलिटी की, उसमें काफी बदलाव हमने किए। स्त्री ने पढ़ना, यही तो मॉरेलिटी के खिलाफ था। केवल वो स्त्री का नुकसान नहीं होता था, उसकी सभी की सभी पीढ़ियां, यानी जिस घर की स्त्री पढ़ती है उसकी सारी की सारी पीढ़ियां नरक में जाती थी। मॉरेलिटी का ही सवाल था, वो मॉरेलिटी हमने चेंज की। ऐसी कई मॉरेलिटी की कल्पनाएं हमने चेंज की है, इसलिए आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए जाति की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, लेकिन धर्म की भी आवश्यकता नहीं है। फिर केवल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मॉरेलिटी निर्माण होगी क्या? मॉरेलिटी और धर्म का डायरेक्ट संबंध नहीं है, यह तो मैं सब उदाहरण देकर आपको भारत की बता पाऊंगा। हमारे देश की देवदासी प्रथा, यह कौन सी मॉरेलिटी है भाई? देवी को आप अर्पण हो गए, भगवान को आप अर्पण हो गए, आपकी शादी भगवान के साथ हो गई, गांव के किसी के भी साथ में आपको कंपलसरी सोना है, आप ना नहीं बोल सकती हो, क्या प्रकार हो गए? जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ को हर दिन एक नई औरत चढ़ाई जाती थी, ये कौन सी मॉरेलिटी हुई? और हर दिन एक नई लड़की के साथ में उसकी शादी की जाती थी जगन्नाथ जी की, भगवान के, उनको भोक्ता कौन था? वहां के पहले पुजारी और बाद में आम लोग। 1000 दिन तक वो पुजारी के साथ में रहेगी और 1000 दिन के बाद में दूसरी नई लड़की आने के बाद में ये पहली 1000 दिन के बाद में रिटायर होती थी, वो रास्ते में वेश्या व्यवसाय करती थी। तो मॉरेलिटी और धर्म, इसका संबंध अगर हम जोड़ने जाए तो इसमें फिर बहुत गंभीर बातें हमको मिलती है, अच्छी मिलती है, उसके साथ में बुरी भी मिलती है। इसलिए धर्म के आधार पर मॉरेलिटी, ये बात तो नहीं होती है, लेकिन हम आम इंसान के दिमाग में ये होता है कि धर्म के कारण ही इंसान मॉरल स्वीकारता है, मॉरेलिटी के साथ में जीता है, ये बात सच नहीं है। भगवान के नाम पर और धर्म के नाम पर ठगने वाले इतने लोग मैंने देखे हैं, आप देखते हो, ये सब धर्म के नाम पर ही चलता है। मंदिर में बैठा हुआ पुजारी, ये 5000 की पूजा करोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, ये 51000 की पूजा करे तो ये आपको फायदा मिलेगा। भगवान का सौदेबाज होता है, जो ज्यादा पैसा देगा उसको ज्यादा कृपा करूंगा मैं, वहां बैठकर भगवान के नाम पर यह ठगी करता है और हम स्वीकारते।
फिर भी हम कहेंगे कि धर्म के नाम पर मॉरेलिटी अच्छी रहती है, तो इसका उदाहरण नहीं, इसके प्रमाण नहीं। जो लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, मॉरल होते हैं, वो अपने संस्कारों के कारण मॉरल होते हैं, धार्मिक होने के कारण मॉरल नहीं होते। ये तो मैंने बहुत विस्तार से बातें आपके सामने रखी। वर्धा के जेल में मैं जब था, मेरे साथ में जो भी 1001 कैदी थे, सबके सब चोर डकैत से लेकर सब बहुत धार्मिक थे, भगवान को मानने वाले थे। उनका यह विश्वास था कि उनके हर बुरे काम में भगवान साथ में होता और भगवान को हाजिर नाजिर मानकर वो सब ये काम करते थे। इसलिए अच्छे के लिए भगवान अच्छा होता है और बुरे के लिए बुराई में साथ देने वाला भगवान होता है। उसके अपने अपने अलग मॉरल्स होते हैं भगवान के बारे में। इसलिए भगवान की कल्पना के कारण, धर्म की कल्पना के कारण या धर्म के संस्कारों के कारण लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, मॉरल जिंदगी जीते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, उसके कोई प्रमाण हमें मिलते नहीं। हाँ, संस्कारों के कारण इंसान अच्छा या बुरा बनने की बहुत बड़ी गुंजाइश होती है। तो भाई, हमारे सोशल संस्कार इतने अच्छे होने चाहिए, उसके लिए धर्म के आधार की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे स्कूलों में अच्छे संस्कार होने चाहिए, हमारे घर में अच्छे संस्कार होने चाहिए, ये परंपराएं हम निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आज के जमाने में धर्म न होते हुए भी इंसान बहुत अच्छे ढंग से जी सकता है, और जाति की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। जाति जैसा बचा क्या है? कौन जाति के अनुसार आज के दिनों में व्यवहार करता है? केवल शादी ब्याह में ही व्यवहार करता है और पॉलिटिक्स में उसका उपयोग करते हैं। एवरेज जीवन में अमुक जाति के लोग ऐसा ही खाएंगे, ऐसा ही पहनेंगे, ऐसा ही रहेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लोग कॉफी एक दूसरे के साथ में घुल मिल गए हैं, खाने की आदतें बदली है लोगों की, जीने के तरीके एक जैसे होने लग गए हैं। तो इसलिए जातिगत अलग अलग व्यवस्था या फिर जातिगत अलग अलग पहचान की आज के जमाने में आवश्यकता नहीं है, और धर्म के बिना भी इंसान बहुत अच्छे ढंग से आज के जमाने में जी सकता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा धर्म है, उसमें बदलाव करने का भी हमको अधिकार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके आधार पर हमें जीना सीखना चाहिए, तो ये भारत का भला होगा। और भारत जैसे देश में जहाँ अलग अलग जाति जमातियों के लोग हैं, उनका भी जीना, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनका भी इंसानियत पूर्वक जीना बहुत अच्छा बन जाएगा, संभव भी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोज़ का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।